ओके ओके यस, ऑल फोर बुक्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर दे विल कम इन योर सिलेबस फॉर एमसीक्यू टेस्ट दैट वुड स्टार्ट। ओके, फर्स्ट लेसन ऑफ ऑल फोर बुक्स, क्लियर। अब पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट लेसन था वो दूसरा था, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। जिसके पास पुरानी बुक्स है उसमें ये सेकंड लेसन है, लेकिन न्यू बुक्स में फर्स्ट लेसन है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, प्रिपेयर, गो थ्रू द बुक, क्वेश्चंस आर सेट इन साइड द बुक, अंडरस्टैंड, एंड यू हैव, इफ यू हैव स्टडीड द लेसन यू कैन इजिली डू, अंडरस्टूड। सो दीज आर द थिंग्स। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यूरोप में नहीं हुआ था ये वॉर, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस यू नो इन रसिया, अब हम लोग क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो वी विल स्टडी एवरी थिंग अबाउट रसिया, वट हैपेंड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन रसिया। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इन डिफरेंट कंट्रीज वट हैपेंड, वट वॉज द इमीडिएट कॉजेज एंड वट वर अदर कॉजेज, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। ओके, ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप, राइट चिल्ड्रन। तो इसमें क्या था कि इन रसिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस सेकेंड। इन रसिया पीपल रैलीड जार निकोलस सेकेंड, ही वॉज द रूलर, जार निकोलस सेकेंड, ही वॉज द रूलर ऑफ रसिया एट दैट टाइम। एंड पीपल स्टार्टेड रैली बिकॉज दे न्यू द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दे थॉट दैट इट इज ओनली लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्लियर। दैट्स वाई पीपल ऑफ रसिया दे रैलीड यू नो टूवर्ड्स विंटर पैलेस, क्लियर। सो इन दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यू नो वॉर कॉन्टिन्यूड थ्रू, ठीक है, एंड ज़ार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। जो आपका वार हुआ इसमें जो है क्या कहते हैं, जार निकोलस सेकेंड ही नेवर मेड एनी कंसल्ट, ही नेवर कंसल्टेड एनी पॉलिटिकल पार्टी, ही नेवर डिस्कस्ड दिस मैटर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यू नो इन ड्यूमा। ड्यूमा मीन्स रशियन पार्लियामेंट, ओके चिल्ड्रन। तो इन ड्यूमा ही नेवर यू नो कंसल्टेड, एंड द रीजन बिहाइंड वॉज दैट यू नो दिस वॉर बिकेम मोर डेंजरस एंड देर वॉज लॉट ग्रेट लॉस ऑफ रसिया, क्लियर। सो यू नो जार निकोलस सेकेंड ही टुक ऑलवेज टू डिसीजन हिमसेल्फ, ही नेवर कंसल्टेड एनी बडी, ओके। सो सपोर्ट वोर थिन, दिस सपोर्ट टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। रशियन पीपल दे नेवर वॉन्टेड टू सपोर्ट जार निकोलस सेकेंड बिकॉज ही नेवर आस्ट एनी वन टू इन्वॉल्व इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्लियर। दैट्स वाई this the support of the people towards monarchy, that is Tsar Nicholas II, it became very weak. They means they always neglected monarchy ruler, understand, they never wanted to support them, clear. So anti-German sentiments ran high, means anti-German sentiment, there was anti-German sentiments, clear. एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स रैन हाई का क्या मतलब है कि जो है सारे रशियंस दे वर अगेंस्ट जर्मनी, ठीक है, दे नेवर वॉन्टेड टू हेल्प, एंटी जर्मन वॉज यू नो पीटर्सबर्ग। हाँ, तो एंटी जर्मन जो यू नो सेंटीमेंट्स है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर भावनाएं आ गई थी पीपल्स के अंदर, क्योंकि जो वहाँ की क्वीन थी, ठीक है, यू नो जरीना अलेक्जेंड्रिया, राइट, शी वॉज ऑफ जर्मन ओरिजिन, ठीक है, एंड सी ऑलवेज सपोर्टेड जर्मन रूलर, ठीक है, शी नेवर सपोर्टेड रशियन, अंडरस्टैंड। दैट्स वाई पीपल थॉट वाई दिस क्वीन इज सपोर्टिंग जर्मनी, दैट्स वाई पीपल बिकेम एंटी जर्मन, अंडरस्टैंड, दे थॉट दैट यू नो क्वीन शी इज इन द हैंड ऑफ अ यू नो वेरी विकेड पर्सन रास्पुतिन, ही वॉज अ मॉन्क, ठीक है, एंड ही केम यू नो इन डाउरी, दहेज में मिला था, ठीक है। जब जार निकोलस सेकेंड की मैरिज हुई थी
तो उनका जो एक मॉन्क था ही वॉज रास्पुतिन, वो उनको डाउरी में मिला था दहेज में, एंड ही केम विथ क्वीन, ठीक है, टू गिव हर वैल्यूएबल सजेशन. तो बाद में क्या हुआ कि जो हमारा जार निकोलस सेकेंड था, इसको जो है इसने रास्पुतिन और अलेक्जेंड्रिया ने क्या किया था, अपने कब्जे में ले लिया था. ओके चिल्ड्रन, राइट. तो जार निकोलस सेकेंड, यू नो, एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स रैन हाई, है ना, लोग जो है एकदम जर्मनी के एंटी हो गए थे, क्लियर. एंड यू नो इसी का नाम पड़ा सेंट पीटर्सबर्ग, क्लियर. तो अ जर्मन नेम, ये सेंट पीटर्सबर्ग ये जर्मन नेम था, ठीक है. हाँ, एज पेट्रोग्राड, ठीक है, पेट्रोग्राड का जर्मन नेम क्या था आपका, सेंट पीटर्सबर्ग, क्लियर. तो ये क्या था, द ज़रीना अलेक्जेंड्रिया वाज जर्मन ओरिजिन, व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, शी वाज फ्रॉम जर्मन ओरिजिन, शी हैड अ मैसेंजर हुज नेम वाज रास्पुतिन, ही हैड टू गिव हर विक्ड सजेशन, बहुत ही दुष्टतापूर्ण, है ना, विक्ड सजेशन देता था, ठीक है. एंड ही ऑलवेज सजेस्टेड हर इन फेवर ऑफ जर्मनी, और जर्मनी के फेवर में हमेशा सजेशन देता था, ठीक है. मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, मोस्ट ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन, दे वर लीक्ड बाई दिस मैन, दिस यू नो रास्पुतिन. ओके, एंड फाइनली वाट हैपेंड, यू नो जर्मन, राइट, फाइनली वाट हैपेंड, यू नो दिस, यू नो जर्मनी, जर्मन आर्मी, इट वॉज डिफीटेड एट वेस्टर्न फ्रंट. ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या था कि जो है ये जो इसका मैसेंजर था, रशियन मैसेंजर, ठीक है, जो कि क्वीन को, क्वीन अलेक्जेंड्रिया को, ठीक है, ज़रीना अलेक्जेंड्रिया को हमेशा सजेशन देता था, सी हैड टू गिव पुअर एडवाइस, पुअर सजेशन, कभी भी जो है रशियन फेवर में वो कभी सजेशन नहीं देता था, ठीक है. और क्वीन अलेक्जेंड्रिया, मतलब जो है आपकी ज़रीना थी, ठीक है, शी बिकेम एंटी, ठीक है, और वो सारे मिलिट्री के जितने भी क्या कहते हैं ऑपरेशन, मिलिट्री के जितने भी एक्टिविटीज थी, वो सब जर्मनी, मतलब बाई सीक्रेट वे, ठीक है, रास्पुतिन के थ्रू ये जो है जर्मन आर्मी को लीक हो जाता था, ठीक है. और इस तरीके से जर्मन जो है उसने वेस्टर्न फ्रंट पे रशियन आर्मी को डिफीट कर दिया. ओके, सो यू कैन से द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट. दो फ्रंट पे वार हुए, रशिया में एक ईस्टर्न फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट जैसे ये मान लेते हैं ये हमारा रशिया अगर है, तो ये आपका ईस्टर्न फ्रंट है एंड दिस इज योर वेस्टर्न फ्रंट. इस फ्रंट पे और इस फ्रंट पे आपके वार हुए, ठीक है, और दोनों में जो है क्या कहते हैं, देयर वॉज डिफरेंट रिजल्ट, अंडरस्टैंड. तो ये जो है आपका ईस्टर्न फ्रंट एंड वेस्टर्न फ्रंट आर्मी फॉट फ्रॉम ट्रेंचेज स्ट्रेच्ड अलोंग यू नो ईस्टर्न फ्रांस, ठीक है. अब ये ट्रेंचेज बना के वार करते थे, ट्रेंच मतलब खाई, ऐसे खाई बना करके इसके अंदर सोल्जर्स छुपे रहते थे इस खाई के अंदर, और उनका मशीन गन यहाँ पे रहता था, ठीक है, और यहाँ से ये लोग फाइट करते थे, अंडरस्टैंड. हाँ, एंड रशियन फाइट इन ओपन, रशियन लोग जो थे वो खुले में वार करते थे, है कि नहीं. तो ये जितने भी थे जर्मन लोग जो थे उन्होंने ट्रेंच बना लिया था, और रशियन सोल्जर्स ऐसे आते थे और ये लोग सामने दिख जाते थे, उड़ा देते थे इनको, ठीक है. तो इस तरीके से क्या हुआ, रशियन जो है बहुत ईजिली, ठीक है, दे वर डिफीटेड, अंडरस्टैंड. तो इस तरीके से क्या हुआ कि वेस्टर्न आर्मी जो थी, इससे क्या हुआ, इन ईस्ट आर्मीज मूव्ड गुड डील एंड फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअल्टी, बहुत सारी कैजुअल्टीज हुई, मैनी पीपल्स वर डाइड वाउंडेड, क्लियर, एंड दे हैड लॉट ऑफ यू नो प्रॉब्लम, क्लियर, सब हॉस्पिटलाइज होने लगे बारी बारी से, है कि नहीं. तो ये क्या था, बहुत सारी कैजुअल्टीज हुई, क्लियर. तो डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग. अब ये जो डिफीट था रशियन आर्मी के लिए, एक स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी उस समय की वर्ल्ड की, लेकिन इट वॉज डिफीटेड बाई जर्मन आर्मी, वेरी स्मॉल कंट्री, जस्ट इमेजिन वाई इट वॉज, इट हैपेंड बिकॉज सो मैनी थिंग्स. ओके ओके, आई विल शो, आई विल गिव दिस रिकॉर्डिंग. ओके, तो इन दिस वे जो क्या कहते हैं ये जो कैजुअल्टीज थी, इससे पूरी की पूरी रशियन आर्मी डीमोरलाइज हो गई.
अब उनका मोरल एकदम गिर गया, उन्हें लगा कि हमारे सारे सीक्रेट्स कैसे जर्मन आर्मी को पता चल जा रहे हैं, कैसे इनको जो है हमारे ऑपरेशंस का पहले से पता चल जा रहा है, कैसे हम लोग डिफीट खा जा रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जर्मन आर्मी जो है पूरी तरीके से इट वॉज डीमोरलाइज। ओके चिल्ड्रेन, तो 1914 एंड 1916 में जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया में वार हुआ, ठीक है, क्लियर। रशियन आर्मी इज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एक छोटा सा कंट्री, यूरोपियन कंट्री, एंड जर्मनी इज ऑल्सो, इन दोनों के हाथों रशियन आर्मी पूरी तरीके से लॉस्ट कर गई बैटल। दे हैड लॉस्ट द बैटल एंड दिस बैटल कॉज्ड लॉट ऑफ कैजुअलिटीज एंड मोर देन 7 मिलियन कैजुअलिटीज। 7 मिलियन कैजुअलिटीज मतलब 7 के आगे 60 लगा, दिस इज 7 मिलियन कैजुअलिटीज हुई, ठीक है, कैजुअलिटीज हुई, इतने लोग जख्मी हुए, राइट। एंड अलॉन्ग विद दीज, राइट, यू नो मेनी पीपल्स वर वाउंडेड, ठीक है, एंड दे वर ट्रीटेड। रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉस बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बींग एबल टू लिव ऑफ। अब रशियन आर्मी को जब कुछ नहीं सूझ रहा था, उन्होंने देखा कि ये जहाँ जहाँ ट्रेंच बना के रह रहे हैं, छुप करके अटैक कर रहे हैं। अब रशियन आर्मी तुरंत अपने सारे टैंक के साथ उन्होंने क्या किया, अटैक, मतलब पूरे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस थे सब डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। जो भी देखते थे छुपने की जहाँ जहाँ जगह होती थी उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। जो भी जंगल के जंगल उसको जो है आग लगा देते थे, पूरा जो भी हमारे स्टैंडिंग क्रॉप थे उसको भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते थे, ताकि कोई अगर जर्मन सोल्जर वहाँ छुपा हो पकड़ा जाए, ठीक है। कैसे जो है उनको ये सब आइडियाज मिल गए थे, कैसे उनको जो है ये सारे सीक्रेट्स मिल गए थे। तो रशियन आर्मी पूरी तरीके से जो है उन्होंने क्या किया, दे डिस्ट्रॉयड द क्रॉप बिल्डिंग, है ना, 3 मिलियन रेफ्यूजीज, है ना, वहाँ पे क्या कहते हैं आए, एंड द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड गवर्नमेंट एंड द ज़ार। अब जो सिचुएशन बन गई इससे जो है क्रेडिट खराब हो गई ज़ार निकोलस सेकेंड की, ठीक है, और ज़ार निकोलस सेकेंड ही वॉज इंसल्टेड कि कैसे ये सब हो रहा है, ही कुड नॉट टेक प्रॉपर डिसीजन, क्योंकि सारे सीक्रेट्स उसके लूज हो गए, ठीक है, बिकॉज ही वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ ज़रीना अलेक्जेंड्रिया। ओके चिल्ड्रेन, हाँ, दे डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे डिडेंट क्या है मेड एंड रिसोर्सेज, वो तो ठीक है, राइट। तो इसमें क्या था, दी वार ऑल्सो हैड सेवर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री, हाँ, मीनिंग ऑफ रिफ्यूजी, रिफ्यूजीज मीन्स जर्मन आर्मी पीपल हु यूज टू इंटर इन रशियन एरिया, ठीक है, उनको रेफ्यूजी कहा गया, उनको पकड़ लिया गया, देवर रेफ्यूजी, जो क्या कहते हैं दूसरे कंट्री से भाग करके आकर के छुप जाते हैं किसी और कंट्री में, दे आर रेफ्यूजी। जैसे पाकिस्तान से इंडिया में बहुत सारे पाकिस्तानी रेफ्यूजी आ जाते हैं, या बांग्लादेश से बहुत सारे रेफ्यूजी हमारे वेस्ट बंगाल में आके छुप जाते हैं, क्यों, क्योंकि बांग्लादेश में अक्सर क्या आता, फ्लड आता है, बहुत ऐसा एरिया है वहाँ पे, क्या कहते हैं, ज़्यादातर वहाँ हमेशा फ्लड ही की सिचुएशन बनी रहती है, साइक्लोन आता है, तो लोग भाग करके इंडिया में आ जाते हैं, तो दे आर रेफ्यूजी बिकॉज दे आर नॉट सिटीजन, ठीक है। तो इसी तरीके से रशियन में भी है, और स्पेशली रेफ्यूजीज किसको कहा जाता है, जो वार, मतलब जो है वार से रिलेटेड लोग होते हैं, व्हेन दे इंटर इन अनदर टेरिटरी दे बिकम्स रेफ्यूजी, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से जिसको भगौड़ा कहते हैं हिंदी में, भगौड़ा, राइट। तो इस तरीके से क्या हुआ, रशियन ओन्स इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर, है कि नहीं, और जितना भी इंडस्ट्रियल गुड्स जर्मन कंट्रोल में बाल्टिक सी के पास था उसको भी इन्होंने क्या किया, कट ऑफ कर दिया। रशियन लोगों ने क्या किया, उनकी इंडस्ट्रीज को भी डिस्ट्रॉय किया, राइट, हाँ, ओके। तो ये जो हमारी रशियन आर्मी है, राइट, दिस रशियन आर्मी इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड इंडस्ट्रीज, और जो भी सप्लाई जर्मनी की तरफ जाती थी उसको उन्होंने कट ऑफ कर दिया, क्योंकि इन्हें लगा कि जर्मन को सारी सप्लाई मिलती रहेगी तो ऑटोमेटिकली वो कभी हारेंगे ही नहीं, राइट। तो इस तरीके से क्या हुआ, बाल्टिक सी का जो जर्मन कंट्रोल था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रसिया, ठीक है, और रसिया में जितने भी आपके मतलब इक्विपमेंट्स थे, जो भी आपके मशीनें थी, जो है क्या कहते हैं आर्म्स वगैरह बनाने की, ठीक है, जो कि जर्मन के कंट्रोल में चली गई थी, उसको भी अब आर्मी ने जो है डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, क्लियर। सो इन दिस वे बाई 1916 रेलवे लाइन्स बिगैन टू ब्रेक डाउन,
अब इन्होंने रेलवे लाइन ब्रेक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसी रेलवे लाइन के थ्रू जो ब्रिटिश जर्मन आर्मी घुस चुकी थी रसिया में, वो अपने आप को एडजस्ट कर रही थी, अपने आप को जो है वहाँ पे पूरा रसिया को सोच रहे थे कि हम रसिया पे पूरा कंट्रोल कर लें, मोनार्की तक मतलब जो है विंटर पैलेस तक पहुँचने के चक्कर में थे। इसलिए रसियन आर्मी ने सोचा कि ये जो आपका जो रेलवे लाइन है इसको भी डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि इनकी आर्मी बाई रेलवे ना पहुँच पाए। अंडरस्टैंड? तो इन दिस वे एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वार। ठीक है, जितने भी एबल बॉडीड थे, जो भी क्या कहते हैं फिजिकली फिट थे, उनको तो वार में जो है रिक्रूट कर लिया गया है ना। अब क्या हुआ, देयर वाज शॉर्टेज ऑफ वर्किंग पीपल। अब काम करने वालों की कमी हो गई, एग्रीकल्चरल वर्क कौन करेगा, जो एबल्ड बॉडी के लोग होते हैं। अब उनको आर्मी में रिक्रूट कर दिया गया, तो अब जो है क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कैसे होगा, ये भी एक सिचुएशन बन गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, यू नो देयर वाज शॉर्टेज। ठीक है, लेबर शॉर्टेज हो गया, स्मॉल वर्कशॉप, छोटे छोटे वर्कशॉप खुलने लगे, क्योंकि बड़े जो है फैक्ट्री के लिए लेबर की शॉर्टेज होने लगी। अंडरस्टैंड? तो इन दिस वे व्हाट हैपेंड, यू नो लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी, है कि नहीं, आर्मी को खिलाने के लिए पूरा फूड ग्रेन ज़्यादा से ज़्यादा जाने लगा। अब जो है मार्केट में क्या होगा, फूड प्राइसेस राइज कर जाएंगे, क्योंकि जब स्टॉक कम होगा तो जो भी शॉपकीपर है उसको लार्ज अमाउंट हाई अमाउंट पे बेचेंगे, है कि नहीं, क्योंकि स्टॉक कम है, सोचते हैं अभी सस्ते में दे देंगे जल्दी बिक जाएगा, तो सोचते हैं रेट बढ़ा दो ताकि धीरे धीरे बिके, प्रॉफिट खूब आए, इजंट इट। तो ये सारी चीज़ें वहाँ रसिया में होने लगी। सो क्या हुआ, फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कार्स, है कि नहीं, पूरी सिटी में रोटी ब्रेड फ्लोर ये सब एकदम स्कार्स, मतलब अल्प मात्रा में हो गए। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं बहुत कम देखने को मिलते थे, अब उसके लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी, इजंट इट। सो इन दिस वे यू कैन से दैट यू नो दिस रशियन एम्पायर इट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, एंड यू नो द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ ज़ार निकोलस सेकेंड इट वॉज स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड। ठीक है, एंड पीपल दे ऑलवेज यू नो दे नेवर वॉन्टेड दैट दिस वार शुड हैपन एनी मोर, इजंट इट। वो चाहते थे कि जो है ये वार आगे तक ना चले, जल्दी से ख़त्म हो जाए, राइट, बिकॉज इट ब्रॉट लार्ज कैजुअल्टीज, देयर वॉज अ फेमीन, अ काइंड ऑफ फेमीन टाइप सिचुएशन इस्टेब्लिश इन रसिया, इजंट इट, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ब्रेड फ्लोर पीपल दे हैड टू स्लीप विदाउट ईटिंग, अंडरस्टैंड, राइट, देयर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ फूड ग्रेन, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, शॉर्टेज ऑफ लेबर, अंडरस्टैंड, एंड ए होल एक्टिविटी ऑफ रसिया इट वॉज स्लो डाउन, अंडरस्टैंड। सो इन दिस मैनर वी कैन सी दैट बाई द विंटर ऑफ 1916 रॉयट्स एट ब्रेड शॉप वर कॉमन। ठीक है, विंटर सीजन में दंगे हो गए, रॉयट, रॉयट मीन्स दंगे फसाद। ठीक है, विंटर सीजन में जो है ये कॉमन बात हो गई रॉयट। ठीक है, और हर जगह, राइट, एवरीवेयर पीपल वर स्ट्रगलिंग फॉर ब्रेड। ठीक है, और विंटर सीजन में ज़्यादा खाने का मन करता है, और उसी सीजन में जब ब्रेड की शॉर्टेज हो जाए, फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो जाए, तो जस्ट इमेजिन इतनी तेज भूख को हम कैसे जो है पूरा करेंगे। तो उसके लिए क्या हुआ, रॉयट्स हो गए, लोग लड़ने झगड़ने लगे, देवर सर्चिंग, कंट्री साइड में चले गए लोग, और वहाँ पे देखने लगे किसके पास फूड ग्रेन का स्टॉक है, अटैक कर देते थे विदाउट आस्किंग, विदाउट परमिशन, दे अटैक्ड ऑन दैट फूड ग्रेन एंड दे हैड लूटेड द ग्रेनरी, अंडरस्टैंड, मीन्स द होल सोशल कंडीशन ऑफ रसिया इट वॉज डिस्ट्रॉयड, अंडरस्टूड। सो वट वॉज द रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, इट वॉज अ डीप इम्पैक्ट ऑन रसिया इन द फर्स्ट, एक तो सोशल कंडीशन ऑफ रसिया इट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, ओके, बट माई माइक इज ऑन, वाई नॉइज, माई साउंड इज नॉट कमिंग, कब से नहीं साउंड आ रहा है, ये बेटा ईयरफोन लगा लो, आपका नेटवर्क गड़बड़ होगा, ठीक है, आपके एरिया का नेटवर्क सही नहीं होगा, दैट्स वाई इट इज हैपनिंग, क्लियर। राइट, आपके एरिया का नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ होगा, तो ईयरफोन लगा लो सही लगेगा, ओके। तो ये जो है एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स इस्टेब्लिश हुआ पूरा रसिया जो है, पॉलिटिकली इट बिकेम वीकर, बिकॉज द
The whole politics was played by a wicked messenger, Rasputin. ठीक है? Advisor, poor advisor of Tsarina Alexandria. Clear? So whole secret of whole operation, whole military operation secret. It was revealed. Understand? पूरा जो मिलिट्री ऑपरेशन था उसका सारा सीक्रेट रास्पुतिन के थ्रू जर्मन ऑफिसर्स के पास पहुंच जाता था. ठीक है? दैट्स वाई दे हैड डेवलप्ड ट्रेंच. ठीक है? एंड फ्रॉम दैट ट्रेंच दे डिफीटेड रशियन आर्मी एट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बोथ फ्रंट. एंड ड्यू टू ह्यूज कैजुअलिटीज द रशियन स्ट्रक्चर, द रशियन आर्मी वॉज डिफीटेड एंड दे वर डीमोरलाइज बिकॉज देवर सपोज मीन्स देवर यू कैन से हा. ओके, राइट चिल्ड्रेन? तो ये सारी चीजें जो है, यू हैव गॉट सो मेनी थिंग्स एंड यू नो दिस वॉज द इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री. तो रशियन इंडस्ट्री क्या हुई, पूरी तरह से कोलैप्स कर गई. ओके चिल्ड्रेन? तो इन दिस वे वी कैन सी दैट देयर वॉज अ डीप इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया. क्लियर? सो इफ वी वॉन्ट टू स्टडी अबाउट इम्पैक्ट, ठीक है, ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया, देन यू नो बेटा माई वॉइस इज, एवरीबडी इज लिसनिंग, वाई यू आर नॉट लिसनिंग? आप अपना जो है क्या कहते हैं माइक सही करो. क्लियर? सो यू कैन से दैट देयर वॉज अ इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया. क्लियर? देयर वॉज डीप इम्पैक्ट, राइट? तो फर्स्ट क्या था, रसिया हैड फ्यू इंडस्ट्रीज एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लाईज. रसिया में बहुत कम इंडस्ट्रीज थी. ठीक है? देयर वॉज फ्यू इंडस्ट्रीज इन रसिया, राइट? बहुत कम इंडस्ट्रीज थी और उसकी सप्लाई भी कट हो गई वार में. ठीक है? तो इससे क्या हुआ, राइट? हाँ, इंडस्ट्रियल गुड्स की शॉर्टेज हो गई, राइट? इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. क्लियर? इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया. क्लियर? क्या था, ड्यू टू जर्मन कंट्रोल, ड्यू टू जर्मन कंट्रोल, जर्मन कंट्रोल इन बाल्टिक सी, राइट? बाल्टिक सी में जो जर्मन कंट्रोल हो गया था, ठीक है? सो सप्लाई वॉज कट ऑफ, सप्लाई वॉज कट ऑफ, ठीक है, फॉर रशिया. रसिया के लिए सप्लाई कट ऑफ हो गई क्योंकि जो बाल्टिक सी था आपका, वहाँ पे जर्मन कंट्रोल हो गया था. ठीक है? जिसकी वजह से वहाँ पे सप्लाई कट ऑफ हो गई थी. तो इसकी वजह से अब उनके पास बाहर से कोई सप्लाई नहीं आ पाती थी. सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही पड़ा, राइट? उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो थे वो डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली. ठीक है? उनका जो था इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड, इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली, है ना? डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली, बहुत तेजी से उनका डिसइंटीग्रेट होने लगा इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, ठीक है, ऑफ रशिया. अंडरस्टूड? तो ये एक सेकेंड इम्पैक्ट पड़ा कि जो है उनका इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बहुत तेजी से डिसइंटीग्रेट, मतलब नष्ट होने लगा, राइट? एंड एबल बॉडीड मैन वर सेंट टू फाइट वार, है ना? एबल बॉडीड जो थे, एबल बॉडीड मैन सेंट टू फाइट वार, ठीक? तो उससे क्या हुआ, देयर वार शॉर्टेज ऑफ वर्कर, शॉर्टेज ऑफ लेबर, शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गया, है कि नहीं? लेबर की शॉर्टेज पड़ गई रसिया में. अंडरस्टूड? और उसके साथ साथ क्या हुआ, फूड ग्रेन सप्लाइड
टू फीड आर्मी, है कि नहीं, टू फीड आर्मी, फूड ग्रेन आर्मी को फीड करने के लिए सप्लाई कर दिया गया, अंडरस्टैंड। सो दिस रिजल्टेड, सो देयर वाज, सो देयर वाज स्कार्सिटी, स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन, ठीक, फूड ग्रेन की कमी हो गई, स्कार्सिटी हो गई, राइट। फिफ्थ, रेलवे लाइन एंड क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, राइट। तो जब रेलवे लाइन एंड क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फूड की और शॉर्टेज हो जाएगी, है कि नहीं। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बिकेम वर्स, राइट, इकोनॉमिक कंडीशन बिकेम वेरी वर्स, अंडरस्टूड। तो ये सब हमारे उसके इम्पैक्ट हैं, अंडरस्टूड। हाँ, सो हियर वी हैव गॉट सम मोर यू नो पॉइंट्स ऑल्सो, क्लियर। उसमें क्या है, हाँ, यस। तो इस तरीके से क्या हुआ कि रसिया पर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक डीप इम्पैक्ट पड़ा, एक बहुत ही गहरा छाप पड़ा, एंड होल रशियन आर्मी इट वॉज टोटली यू कैन से डिस्टर्ब, है कि नहीं। अभी आपने देखा होगा, आपके पास एक बुक अगर है, ठीक है, जिसके जिसके पास हिस्ट्री की बुक है, यू कैन सी दिस बुक, ये आप देख रहे हैं, इन दिस बुक यू कैन सी ये पिक्चर, नॉट दिस पिक्चर, ठीक है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे रशियन सोल्जर्स बैठे हुए हैं, दिस सोल्जर्स आर नोन एज स्ट्रीम रोलर, इनको क्या नाम दिया गया, स्ट्रीम रोलर, दे आर नोन एज स्ट्रीम रोलर, सबके पास बुक होगी, ठीक है, इनको कहा गया स्ट्रीम रोलर, अंडरस्टूड। कुछ नहीं दिख रहा, क्यों, सबको तो दिख रहा है, दिस इज स्ट्रीम रोलर, ठीक है, इन्हीं को स्ट्रीम रोलर कहा गया, अंडरस्टूड। अब व्हाट इज स्ट्रीम रोलर, मतलब दैट इज रशियन स्ट्रीम रोलर, दे आर इन योर इंपीरियल रशियन आर्मी, ठीक है, इंपीरियल रशियन आर्मी वर नोन एज स्ट्रीम रोलर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, इंपीरियल रशियन आर्मी, इंपीरियल रशियन आर्मी वाज नोन एज स्ट्रीम रोलर, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दिस क्वेश्चन में कम इन एग्जाम, क्लियर। रशियन इंपीरियल आर्मी को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीम रोलर, ठीक है। ये रशियन इंपीरियल आर्मी मीन्स देवर द बॉडी गार्ड्स, देवर द प्रोटेक्टर ऑफ विंटर पैलेस, जो रसिया का विंटर पैलेस था, ठीक है, और जितने भी रॉयल फैमिली थी उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक इंटरनल आर्मी वॉज मेड, अंडरस्टूड। एंड दिस आर्मी इट कुड यू नो प्रोटेक्ट रशियन, नाउ दे आर दीज इंपीरियल रशियन आर्मी, ठीक है, दे आर बिकमिंग होपलेस, ठीक है, बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट द मैन रस्पुतिन ही हैड टू रिवील ऑल सीक्रेट्स, अंडरस्टूड, ये सारे सीक्रेट्स रिवील कर देता है। सो दे वर डीमोरलाइज्ड, दैट्स व्हाई दे लेफ्ट द जॉब, दे लेफ्ट द वर्क, एंड दे आर यू नो दे आर गेदर्ड, अंडरस्टैंड, इन फ्रंट ऑफ विंटर पैलेस, एंड यू नो दे आर सिटिंग देयर, क्लियर। तो ये सारे के सारे लोग जो है होपलेस हैं, राइट। और इट वॉज द लार्जेस्ट आर्म फोर्स इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड फोर्स था, ठीक है, एंड इसने अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर दी, ठीक है, एंड इम्पीरियल इम्पीरियल रशियन आर्मी आर्मी डेवलप्ड डिसबिलीफ
disbelief in Russia and started supporting रेवोल्यूशनरी. ठीक है, अब ये रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करने लगे. अंडरस्टूड? रेवोल्यूशनरीज कौन थे? बोल्शेविक पार्टी, व्लादिमीर लेनिन. ठीक है, ये सब के सब जो है लेनिन को सपोर्ट करने लगे. अंडरस्टूड? सो दिस वॉज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशियन आर्मी. अंडरस्टैंड? द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्मी दैट इज स्टीम रोलर, दे बिकेम डीमोरलाइज्ड and they left the war and they started supporting, you know, revolutionaries. Understand? Who were revolutionaries? Revolutionaries were the members of Bolshevik party, the people who believed in the idea of Karl Marx, socialism. Understand? So they thought that monarchy rule, it cannot survive any long. They thought that it is only socialism that can create welfare programs for everyone and it can rule the country in peaceful manner. Understand? And it can make our country, you know, stronger one. Understand? That's why, you know, Russian imperial people, they always joined the meeting of